एलएसी एलओसी वॉर रूम कॉन्क्लेव, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। टीवी 9 भारत वर्ष पर एलएसी से लेकर एलओसी तक नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। भारत के सेनापति आर्मी चीफ नरवणे इस वक्त लद्दाख में हैं और उन्होंने चीन को आखिरी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कह दिया है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने माना है कि स्थितियां नाजुक हैं, लेकिन भारतीय जाबाजों का जोश हाई है। उधर कश्मीर में पाकिस्तान से भेजे गए बाजवा के चेलों से भारतीय जाबाजों का एनकाउंटर जारी है। बारामूला में अब तक एक आतंकी जन्नत की तरफ कूच कर चुका है, जबकि दो और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान के सुल्तान इस वक्त अपना समंदर बेचने की खबर को लेकर भी दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में है। और सबसे पहले आपको इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। चीन की शह पर कश्मीर में नापाक साजिश, जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है। बारामूला में 5 घंटे से आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। जवानों ने 3 आतंकियों को घेरा और 1 को ढेर कर दिया है। इस वक्त देख रहे हैं आप ऑपरेशंस की तस्वीरें। ऑपरेशन से जुड़ी और जानकारियां हम होने के बावजूद आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे ऑपरेशन में फर्क पड़ सकता है। लेकिन 3 आतंकी इस वक्त घेरे जा चुके हैं और उनको कभी भी ढेर किया जा सकता है। 1 आतंकी मारा जा चुका है। किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या इनका मकसद था, ये सब बहुत जल्द ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं बारिश के बीच चल रहा यह एनकाउंटर। हम श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर पटन में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं कि गोलियों की आवाज बिल्कुल अभी आपको सुनाई दे रही होगी। क्योंकि बता दें आपको कि आज तड़के सुबह से ही जो है इस इलाके में जो है मुठभेड़ शुरू हुई है। सुरक्षा बलों को एक पक्की सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो है कुछ संदिग्ध मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद से ही जो है ये एरिया जो था कॉर्डन किया गया था और उसके बाद जो है आज तड़के सुबह ही जो है एक मुठभेड़ यहाँ पे शुरू हुई। बता दें आपको सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में जो 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं उसमें से 2 जो है वो फॉरेनर बताए जा रहे हैं, जबकि 1 जो है वो लोकल बताया जा रहा है। लेकिन इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों द्वारा जो अगर हम कहें ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें 29 RR प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस और उनकी स्पेश जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उसके कर्मी भी शामिल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी जो संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। अभी तक जो है इसमें 1 सेना के मेजर की जो है उसको गोली लगने से जो है काफ़ी जिसको कह सकते हैं गंभीर चोटें लगी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अभी मुठभेड़ चल रही है और दोनों ओर से जो है गोलाबारी देखी जा रही है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, पटन, बारामूला। इरफान हमारे संवाददाता जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। मेजर जनरल AJB जैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद खान नेता PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं LAC से। अभिषेक उपाध्याय के साथ आदित्य राज कौल भी आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। गजब का काम कर रहे हैं आप वहां से अभिषेक, आप और संजय सोई साहब, आदित्य राज कौल, क्या गजब डटे हुए हैं वहां से। और आज जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में आपसे चर्चा और विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर, इरफान कुरैशी LOC से लाइव हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। इरफान कुरैशी, वहां आप क्या देख रहे हैं, स्थितियां बताई जा रही हैं कि नाजुक हैं और आर्मी चीफ CDS सब ने इस बात का इशारा कर दिया है, वहां क्या सुखबुगाहट आप देख रहे हैं? देखिए दिनेश, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को कहा कि अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और साफ तौर पर आज सुबह से मैं ODI के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हूं और जगह जगह पर मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि यहां पर सुरक्षा बल जो है वो चौकस है और तमाम तैयारियां पहले से ही है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सितंबर का महीना शुरू हुआ, बारिशें हो रही हैं और बर्फबारी अगले महीने से हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सरहद उस पार से लगातार रणनीति रहती है कि इस महीने में घुसपैठ कराई जाए। बारिश हो रही है और अब ये घुसपैठ की कोशिश और ज्यादा तेज हो सकती है आने वाले दिनों में। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले ये अहम खबर बताता चलूं, चीन की छह पर कश्मीर में नापाक साजिश चल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, बारामूला में 5 घंटे से आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। जवानों ने 3 आतंकियों को घेरा है और 1 को ढेर कर दिया है। जाहिर है हिंदुस्तान को कई मोर्चों में उलझाने की कोशिश चल रही है और इसमें चीन के साथ पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है।
येदीपुरा पट्टन में जबरदस्त फायरिंग की खबर है। इस बारे में एक क्विक अपडेट इरफान से ले लेते हैं। इरफान, ये जो तीन आतंकवादी हैं और छिपे हुए, इनके बारे में कुछ पता चल रहा है? कहां पर, किस घर में ये छिपे हुए हैं? ये और इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? एक बार पूरी तस्वीर जल्दी से हमको बता दीजिए। देखिए बिल्कुल दिनेश, सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी कि पट्टन के इलाके में सुरक्षा बलों एनकाउंटर की तस्वीरें रखी है, हमारे संवाददाता को दिखाइए क्विकली प्लीज। जहां पर तीन मिलिटेंट्स जो है सुरक्षा बलों के कॉर्डन में आए थे और उसके बाद एक मिलिटेंट को फिलहाल मारा गया है। इसमें राष्ट्रीय रेफरल्स के एक मेजर को भी गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में रेइनफोर्समेंट बुलाया गया है। 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट इस इलाके में, येदीपुरा इलाका है ये पट्टन के टाउन में, जहां से बारामूला का रास्ता जाता है टाउन का। मैं खुद एक बड़ी खबर आ रही है इरफान, मैं आपको रोक रहा हूं। दूसरी तरफ से ताइवान ने चीनी फाइटर को मार गिराया है, ताइवान ने चीनी फाइटर जेट को मार गिराया है और ये जाहिर है मुझे लगता है शुरुआत हो गई। सुमित से मैं इस बारे में जानकारी लूंगा। पीएलए के SUKAI सुकाई उसने नाम रखा हुआ है जिस फाइटर जेट का, उसे मार गिराया गया है। ताइवान ने आखिरकार वो कर दिया और यहां से हो सकता है कि यह तनाव और ज्यादा एस्केलेट कर जाए। मुमकिन है कि यहां से वो हो जाए, वो चिंगारी भड़क जाए और अब शोला बन जाए जिसमें पूरा विश्व झुलसे। सुमित, इस बात की अब पूरे अंदेशे लगने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दिनेश ये अंदाजा बिल्कुल सही था। भारत ने जो लीड ली या भारत ने जो लगातार चीन को अग्रेसिव मोड से निकाला या रोका, उसके बाद कई और देश लगातार चीन की इस हिमाकत को जवाब दे रहे हो। ताइवान ने, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, अब से 2 दिन पहले ही ताइवान ने अपने पासपोर्ट से भी चीन का नाम हटा दिया था। बड़ी तो खबर है, इसमें बहुत बड़े इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन समझने के लिए चलना पड़ेगा। अभिषेक उपाध्याय मौजूद है, LAC LOC पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर ताइवान में चीनी फाइटर जेट का मारा जाना, अभिषेक क्विकली। देखिए दिनेश, ये जो हुआ है ये इस बात का आप मान लीजिए, इसे हिंदी में कहते हैं सूत्रपात है कि चीन के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है। एक निर्णायक कार्रवाई यहाँ हुई लद्दाख में जहाँ हम बैठे हैं, काला टॉप हेलमेट टॉप पे निर्णायक कार्रवाई हुई है। अब ताइवान ने भी निर्णायक कार्रवाई कर दी है और इस शब्द को याद रखिएगा, निर्णायक कार्रवाई। ऐसी निर्णायक कार्रवाई की तस्वीरें आपको और भी दिखाई पड़ेंगी। भारत ने शुरुआत कर दी है और ये सिलसिला अब चल पड़ा है। गुरमीत साहब इग्नाइट हो गया क्या? वो चिंगारी अब सुलग गई क्या? और अब पूरे विश्व को ताकत झोंकनी पड़ेगी, या तो लड़ने में या लड़ाई को बचाने में। गुरमीत साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो अभी आपने खबर दिया है ब्रेकिंग न्यूज कि ताइवान के विरुद्ध में ताइवान ने चाइना का जो एयरक्राफ्ट है उसको गिरा दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए तनाव था, एस्केलेशन हो सकती थी, चाइना ने हर एक फ्रंट खोला हुआ था और अभी देखिए उसी जो तनाव और चाइना का जो अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव पोस्चर था उसका क्या नतीजा निकला है। अभी जो चाइना की है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या, या चाइना अब इसका बहुत बड़ा पलटवार करेगा ताइवान के ऊपर? AGB जैनी साहब क्विकली सर। हाँ देखिए दिनेश, कोई भी लड़ाई होने से पहले एक एस्केलेटरी लैडर होता है, एक धीरे धीरे एस्केलेशन होता है। हम देख रहे हैं कि 20 अप्रैल से लेकर अभी तक जो है एस्केलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया है, जो कि के ब्लैक टॉप पर इधर खत्म हुआ और आज ताइवान में खत्म जो है वो ये वार्ता जो आपने ब्रेकिंग न्यूज में दिखाई। अब ये है कि देखिए, अगर चीन बाज नहीं आएगा और अपने एक्सपेंशनिस्ट हेजमिनिस्टिक डिजाइन से चलता रहेगा तो ये एस्केलेशन चलता रहेगा और नुकसान होता रहेगा। देखिए ये हम मानी हुई बात है दिनेश कि चीन इस समय घिर गया है, उइगर मुसलमानों से घिर गया है, सेंट्रल एशियन रीजन तजाकिस्तान कजाकिस्तान में घिर गया है, उधर ताइवान में घिर गया है, हांगकांग में घिर गया है, साउथ चाइना सी में घिर गया है, इधर लद्दाख में घिर गया है। तो अगर वो बाज नहीं आ रहा, जो मेरा मानना है कि वो बाज नहीं आएगा, मेरा खुद का जाति अनुमान ये है चीन बाज नहीं आएगा, ये एस्केलेशन चलता रहेगा, हमको इसके लिए तैयार है। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये एस्केलेशन जिसको टिपिंग पॉइंट हम कह रहे थे, जिसको हम ट्रिगर पॉइंट कह रहे थे, क्या ये वो ट्रिगर पॉइंट है या ट्रिगर पॉइंट तो लद्दाख में पहले ही छेड़ा जा चुका है? अभिषेक क्विकली सोई साहब से। हाँ, मैं ये दिनेश बिल्कुल ठीक बात है, मैं ये कहूंगा जिसको कहते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है और जो
जो है इसका भी रिवर्स गियर चालू हो गया चीन का। और इस वक्त हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक सेकंड रोक रहा हूं सोई साहब आपको, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ताइवान के एयरफील्ड में आ चुका था, ताइवान की एयर टेरिटरी में आ चुका था, ताइवान के एयर स्पेस में आ चुका था ये फाइटर जेट, और इसलिए ताइवान ने बगैर एक सेकंड की देरी किए इस जेट को ढेर कर दिया है। और जहां ये जेट गिरा है उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से उठता हुआ ये धुआं कहीं पूरे आसमान में वर्ल्ड वॉर 3 की इबारत तो नहीं लिख रहा। क्विकली सुमित। देखिए दिनेश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार चीन को जवाब मिलना शुरू हो गया, इसका आगाज हो गया। हमारे एक्सपर्ट्स भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार ये जवाब कहां से मिला। ताइवान की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो टीवी 9 भारतवर्ष पर हम इस वक्त देख रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष, ताइवान की वो खबर, वो अहम खबर जिसमें चीनी जेट को मार गिराया गया है। चीन के अहम पर, चीन के ईगो पर चोट हुई है, सिर्फ एक जेट नहीं मारा गया है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सुमित बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा था कि जो चीन को जवाब देना शुरू कर दिया, और किस देश ने जवाब दिया, जिसको चीन कितने सालों से दबा रहा था, और इसका आगाज भारत के खड़े होने के बाद हुआ। यानी भारत जिस तरीके से चीन को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर या दूसरी जगहों पर घेर रहा था, उसी के बाद कई देशों ने इसको लेकर खुले तौर पर मुखालफत शुरू की। आपको याद होगा अमेरिका ने साफ तौर पर चीन को यह भी चेता दिया था कि अगर आपने ताइवान पर कोई अग्रेसिव पोस्टरिंग दोबारा से की तो ये फिर अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा, और अमेरिका इस पर आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और अब ताइवान ने यह एक्शन लेकर यह दर्शा दिया है कि वो चीन के किसी भी अग्रेसिव पोस्टर को बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं है, बहुत अहम न्यूज है, बहुत अहम खबर, बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है, चीन के लिए आज की सबसे बुरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ताइवान ने चीन का फाइटर जेट ढेर कर दिया है, ताइवान ने चीनी फाइटर जेट भर को ढेर नहीं किया बल्कि उसके अहंकार को ढेर किया है, उसके अहम को ढेर किया है। अब देखना है कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। इस वक्त यह अहम खबर आप देख रहे हैं, उस अहम खबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये फाइटर जेट ढेर किया गया है वहां से उठता हुआ धुएं का गुबार देख रहे हैं। धुएं का ये गुबार आसमान में क्या आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की इबारत लिख रहा है? क्या 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 इसको हम ये माने कि चीन और ताइवान के बीच जंग शुरू हो गई, और चीन पर पहला वार ताइवान ने कर दिया क्या? इट वॉज ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और क्या अब ताइवान ने अपनी पलकें झपकाना शुरू कर दिया है? आदित्य राज कौल, इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं, ये खबर और इसके इंप्लिकेशंस आपके मुताबिक क्या है? देखिए दिनेश, ये एक जगह है ताइवान स्ट्रेट करके, वहाँ पर ये घटना घटी है। ये जो विमान है सकई 35 है और साउथ चाइना सी का ये दौरा कर रहा था, वहाँ पर रिकॉर्डेंस कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था, और ये अभी डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही हैं ये कैसे क्रैश हुआ है, लेकिन सर्टनली दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। हमें बताया गया कि पायलट अभी सीरियसली इंजर्ड है और उसका उपचार जो है ताइवान में चल रहा है। अगर ताइवान ने ये अटैक किया है तो ये मेजर डेवलपमेंट है उस एरिया में, क्योंकि ताइवान ने, हमने देखा कि कैसे अहम कदम उठाए हैं। प्रेसिडेंट का भी वहाँ से स्टेटमेंट आया है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो ताइवान की है रेगुलरली, मैं भी उनके संपर्क में हूँ, रेगुलरली वो स्टेटमेंट्स इशू करते आए हैं और कहते आए हैं कि चाइना का जो अप्रोच है ताइवान की ओर ये बदलना चाहिए। तो हमें देखना ये है कि ये सिर्फ अलग अलग देश नहीं है, ये सिर्फ भारत नहीं है, बट अलग अलग एरियाज जो चीन के इर्द गिर्द हैं पूरी तरीके से उनको घेर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश अभी चल रही है डिप्लोमेटिकली, लेकिन ये तो एक अहम एग्जाम्पल है। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है आदित्य राज कौल साहब, जब वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुए तब शुरुआत में भी ये लग रहा था कि इसका एस्केलेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होगा, इतने सारे देश इसमें शामिल नहीं हो जाएंगे खत्म होने तक, लेकिन ऐसा हुआ। क्या यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत के तौर पर इस घटना को देखा जाना चाहिए, ये मेरा सवाल है गुरमीत साहब, क्या इससे इनकार किया जा सकता है? दिस माइट लीड टू द वर्ल्ड वॉर 3 फुल फ्लेजेड। मैं आपसे पूर्ण रूप से एग्री करता हूं, ये जो आज की तिथि है ये एक हिस्टोरिक डे है, और देखिए ताइवान ने किस प्रकार अपना रिजॉल्व, अपना डिसीजन और अपना प्रिपेयर्डनेस दिखाया है, किस प्रकार उन्होंने एयर डिफेंस की अपने इलाके की, ये दिखाता है कि उनकी तैयारी क्या है। मैंने तो ताइवान के अंदर में ताइपाई में एक कोर्स भी किया है उनका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और मुझे इस बात की खुशी है कि ताइवान ने ये कदम लिया है। देखिए
जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन जिस प्रकार से चाइना लगातार अग्रेशन, प्रोवोकेशन और एस्केलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और वही चीज ईस्ट चाइना सी में साउथ चाइना सी और भारत के साथ कर रहा था, जो 15 जून को हुआ, जो 29 अगस्त को हुआ, वो बस इसी प्रकार का था। हर एक फ्रंट के ऊपर में चाइना इसी प्रकार से अग्रेशन, और इसके इंप्लिकेशन में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये इसकी छाया लद्दाख में दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर आपको इस वक्त हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज के तौर पर इसको देखा जा रहा है। चीन ताइवान जंग से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। ताइवान ने चीन के फाइटर जेट को मार गिराया और इसमें कहां कोई अंदेशा हो सकता है कि चीन पलटवार करेगा। चीन बार बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा था और ताइवान ने पहले भी चीन के जेट को भगाया था, चेतावनी दी थी कि आइंदा हमारे एयर स्पेस में आए तो बचोगे नहीं, और आखिरकार वो हुआ। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज के तौर पर इस घटना को देखा जा रहा है। अब मैं चलूंगा एजीबी जैनी साहब के पास। एजीबी जैनी साहब, उधर तनाव अगर बढ़ता है तो लद्दाख में तनाव घटेगा या लद्दाख में भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा? देखिए, जिस तरीके से चीन की जो हवस है, अगर यही ऐसी रही तो तनाव बढ़ेगा दिनेश, क्योंकि चीन ये नहीं देखता कि ताइवान एक तरफ है, लद्दाख एक तरफ है। जो उसकी टोटल नीति है, टोटल एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, टोटल हेजिमोनिस्टिक उसकी पॉलिसी है, टोटल उसको वन सिंगल ओनली मास्टर सुपर पावर बनने का उद्देश्य है उसका, तो ये तनाव जो है हर जगह बढ़ेगा, ये लद्दाख में भी बढ़ेगा। लेकिन अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आपने बात करी दिनेश, माफ करिएगा मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, हो सकता है मेरी दूरदृष्टि जरा सा लिमिटेड हो, लेकिन एक वर्ल्ड वॉर जो है ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। एक हवाई जहाज गिरने से या ऐसे करने से वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ जाती। हाँ, ये बात अलग है कि ताइवान ने कभी भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं माना और अपना आधुनिकता और अपने फोर्सेस की तैयारी वो 1947 से लेके अभी तक करता रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, एजीबी जैनी साहब का बड़ा बयान, एजीबी जैनी साहब कह रहे हैं कि मैं इसको वर्ल्ड वॉर 3 के तौर पर अभी नहीं देखता, लेकिन बहुत सारे जानकार जो ये कह रहे थे कि ताइवान और चीन के बीच में अगर एक छोटी सी चिंगारी भी भड़कती है तो आप ये तय मानिए कि ताइवान की सुरक्षा में खड़ा हुआ अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, चीन अपने अहंकार में चोट बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए एक पहले से भड़के हुए माहौल को और भड़क जाने के लिए। लिहाजा ताइवान ने मार गिराया चीनी फाइटर और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज के तौर पर भी बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। चीन बार बार ताइवान के एयर स्पेस में आ रहा था, पहले भी उसने एयर स्पेस में घुसपैठ की थी ताइवान के, ताइवान ने चेतावनी दी थी, खदेड़ा था उन जेट्स को, और उसके बाद एक बार फिर से यही हुआ, तब भी टोही विमान यहां घुसे थे सुमित, और तब चेतावनी दी गई थी ताइवान की तरफ से। क्यों बार बार ताइवान के एयर स्पेस का, उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा था चीन, क्या उसको उकसा रहा था? देखिए दिनेश, आप इसको, इस इंसिडेंस को सिर्फ अकेला मत देखिए, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को देखिए, जहां पर लगातार चीन अपनी वॉर ड्रिल्स कर रहा था वहां पर ताइवान ने करनी शुरू करी, यानी एक आप सीधे तौर पर कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, उसके बाद चीन अपने सीधा कन्फ्रंटेशन आपके पास आता हूं सुमित, मैं मनीष शाह हमारे साथ जुड़ गए, जरा मैं वर्ल्ड, ये न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर और इस समय इस वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति इस घटना के बाद, मनीष शाह क्विक कमेंट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक मामूली घटना नहीं है, क्योंकि एक तरफ चाइनीज स्टेट गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ ताइवान ने अपने एयर स्पेस में चाइनीज जेट के घुसने का बदला लिया है। क्योंकि अगर आप देखिए, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले यानी 28 अगस्त को ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने ताइवान में F-16 फैसिलिटी का दौरा किया। उससे दो दिन पहले जब अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ताइवान का दौरा कर रहे थे, तब चीन ने दो अपने फाइटर जेट जानबूझकर ताइवान के एयर स्पेस में भेजे, जिसके जवाब में ताइवान के F-16 ने जब उसका पीछा किया तो चीन के फाइटर जेट भाग गए थे। लेकिन आज जब एक बार फिर चीन के फाइटर जेट ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो वो क्रैश हो चुका है। संदेश साफ है ताइवान की तरफ से चीन को कि चीन इस अहंकार में ना रहे कि वो एक महाशक्तिशाली देश है और ताइवान एक छोटा मुल्क है, क्योंकि युद्ध लड़ा जाता है जज्बे से, युद्ध लड़ा जाता है वीरता से, और ताइवान के लोग बार बार ये कह रहे हैं। और मैं तो अगर आपको कहूं कि आज की तारीख में ताइवान की प्रेसिडेंट
जिस तरीके से चीन की सत्ता को चुनौती कश्मीर कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। इस समय पाकिस्तान से भी क्या वाइब्रेशंस हैं समझना जरूरी है। कश्मीर इस घटना की खबर वहां भी पहुंच चुकी होगी, कोई रिएक्शन आपके खुद के जहन में क्या चल रहा है कश्मीर क्विकली? देखें बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो बायलेटरल रिलेशंस है वो इतने अच्छे हैं कि जाहिर है इसका इंसिडेंट का इसके ऊपर फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी टाइम ले रही है कि इसके ऊपर अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने का, लेकिन जो मैं अभी आपके साथ लाइन हूं तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं अपने सोर्सेज के साथ रابطे में हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि यहां पे बड़ी बेचैनी है और यहां पे एक वाइब्स उठ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर कि आप चाइना के साथ इस वाक्य को लेके आप अपनी सॉलिडेरिटी अपनी दोस्ती का हक निभाएं और आप ताइवान के खिलाफ इसके साथ चाइना के साथ डट जाएं। और मुझे लगता है ऐसा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हों चाइना कश्मीर में, आपको रोक रहा हूं, विमान के टुकड़े टुकड़े होते हुए जिस तस्वीर में आपको नजर आएंगे, जहां से उठता हुआ धुएं का गुबार नजर आएगा वो जरा देख लीजिए। अगर आपके पास भी वहां टीवी 9 भारतवर्ष से आ रही है तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यहां पर टुकड़े टुकड़े होकर गिरा हुआ पड़ा हुआ ये फाइटर जेट नजर आ रहा है। अब ये रिकॉग्निशंस के लिए पहुंचा था, ये टो ले रहा था, इसकी प्रकृति क्या थी, वो क्या चाह रहा था, ये हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन इसने ताइवान के एयर स्पेस में अंदर दाखिल होकर वहां जब टोह लेनी चाहिए तो फिर उसके बाद ताइवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। ताइवान पहले इस बारे में चेतावनी दे चुका था, एक बार पहले भी एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है चीन, लिहाजा इस बार उसने सीधे एक्शन जरूरी समझा। पीएलए के इस विमान को मार गिराया गया है, ताइवान के ऊपर उड़ रहा था यह चीनी फाइटर और लाल दायरे में उन तस्वीरों में उस लाल दायरे को अगर बहुत गौर से आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। उस तस्वीर को बड़ा करके दिखाइए, उसके बाद ब्रेकिंग लाइएगा। ये देखिए ये तस्वीर, यहां इस लाल दायरे में आप देख रहे हैं अंदर जट जलता हुआ ये जेट उनका, जिस पर जाकर सरफेस टू एयर मिसाइल लगी और वो तुरंत तड़पते हुए पंछी की तरह नीचे गिर चुका। लेकिन आप समझ लीजिए ये चीन के अहंकार पर चोट है, उस चीन के अहंकार पर चोट है जिसने मसल फ्लेक्सिंग की है सिर्फ ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया में कि अब इस दुनिया का बादशाह वो है। हालांकि अब इसको और ज्यादा असर्ट करने की तरफ वो जाएगा, या ब्रिंकमैनशिप कर रहा था, साई ऑप्स कर रहा था, अब उसको पीछे जाना पड़ेगा। आदित्य राज कॉल। आदित्य राज कॉल, यहां से क्या होगा आगे? जी बेसिकली आगे यही होगा कि ये जो है ये धीरे धीरे पनप रहा है। जो ताइवान ने धमकियां दी हैं चीन को, अब उसका जो है हम अंजाम देख रहे हैं। ये जो घटना घटी है इसका रिपरकशन तो सर्टनली होगा। ताइवान ने अहम कदम उठाए हैं, ताइवान भी छोटा मुल्क है, उनको टाइम लगेगा ऐसे कदम उठाने में। उनने पासपोर्ट से नाम हटाया, आज जो जेट गिरा ये भी एक इंडिकेशन है कि कैसे ताइवान परेशान है चीन से, और ग्लोबली धीरे धीरे सपोर्ट जो है इमर्ज हो रहा है। मुझे लगता है कि आगे ये और उभर के आएगा, चीन अलग थलग और पढ़ने की स्थिति में है। और हालांकि चीन ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा का साथ दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसका साथ ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि दुनिया भर में उनकी खिल्ली उड़ रही है कि जिस तरीके का ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में उड़ती हुई खिल्ली के बावजूद वो असर्ट कर रहा है। अब मैं ये समझना चाहता हूं सुमित क्विकली आपसे एक कमेंट चाहूंगा, उसके बाद अभिषेक के पास जा रहा हूं मैं, आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या 29 और 30 की रात में भारत ने जो एक्शन किया, जो जिगरा दिखाया, क्या उसने बाकी के मुल्कों को भी जिगरा दे दिया है? बिल्कुल जिगरा दे दिया है, और ये भी बता दिया है कि अगर भारत चीन को सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है तो वो मुल्क जिनको चीन लगातार डुबा रहा है या फिर दबा रहा है उनको भी, वो भी चीन की इन सभी अग्रेसिव पोस्टरिंग को जवाब दे सकते हैं। और इस बारे में दूसरे मेहमानों का, दूसरे लोगों के पास भी मैं जाऊंगा। अभिषेक, क्या हिंदुस्तान ने लीड किया है चाइना के अगेंस्ट इस फ्रंट को और उसी का असर दिखाई दे रहा है, 29-30 का असर दिखाई दे रहा है क्या ताइवान पर? देखिए दिनेश, पहले मैंने आपसे कहा था कि निर्णायक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, हिंदुस्तान ने शुरुआत कर दी है और अब चाइना के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। लद्दाख में जो कुछ हुआ है वो निर्णायक कार्रवाई की एक झांकी थी, आपने दूसरा ताइवान में देखा, और मैं दावे से कह रहा हूं, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि साउथ चाइना सी में भी आप जल्दी ही 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई निर्णायक कार्रवाई जरूर सुनेंगे, चूंकि अमेरिका के वॉरशिप वहां पहले। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्या पूरा साउथ चाइना सी, ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहां हम बदलते हुए, यहां पर हम जानते हैं, यहां पर यूएसएस निमित्ज
कब से आकर खड़ा हुआ है ताइवान को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, साउथ चाइना सी में फ्री नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए अमेरिका ने बहुत पहले अपने वॉरशिप्स यहां भेजे हुए हैं, और वो भी जिनको पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की ताकत के परिचायक है। ताइवान के हमले में चीनी फाइटर की हालत खराब, टुकड़े टुकड़े होकर गिरा चीन का फाइटर जेट, और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। ताइवान के ऊपर उड़ रहा था यह चीनी फाइटर जेट, और यहां पर आप देख रहे हैं यहां चीनी, क्या ये चीनी पायलट है? ये चीनी पायलट है जो ताइवान की टेरिटरी में जब इसने इजेक्ट किया होगा खुद को बचाने के लिए, तो ये ताइवान की टेरिटरी में जाकर गिरा है और उसकी हालत खराब बताई जा रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चीन का फाइटर जेट जो धुआं धुआं हो गया है, और यह है चीनी पायलट। इसको अगर पकड़ लिया गया तो अब इसके साथ क्या होगा? क्या इसको जिंदा, क्या ये जीवित बचाए जा सकने की स्थिति में है, या इसकी हालत खराब है? ये अहम खबर। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं वो फाइटर जेट जिसको मार गिराया गया, और दूसरी तरफ देख रहे हैं फाइटर पायलट जिसकी हालत खराब है, जो पैरा इजेक्ट तो कर गया लेकिन उसके बाद जब नीचे गिरा है तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसको घेरे हुए लोग खड़े हुए हैं। क्या उसको मेडिकल एड दी जाएगी? क्या उससे समझने की कोशिश की जाएगी कि चीन का लार्जर प्लान क्या है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। लेकिन अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं, आपने सुना कि यह निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी। हिंदुस्तान ने 29 और 30 की रात में जब ब्लैक टॉप पर कब्जा किया तो जाहिर है बाकी के देशों को भी एक संदेश गया वहां से क्यों लेते हुए, वरना हो सकता है ताइवान इस बात को बर्दाश्त करता। ताइवान ने इस बार बर्दाश्त नहीं किया, जेट को मार गिराया, और यह चीन के अहंकार पर चोट है। चीन के अहंकार पर चोट को चीन कितना बर्दाश्त करेगा? और इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखेंगे हम यहां वॉल पर, जहां सुमित भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इन तस्वीरों का बारीक विश्लेषण इसलिए आवश्यक है। तस्वीरों का बारीक विश्लेषण सुमित के साथ हम करेंगे, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपके सामने है। ताइवान ने मार गिराया है चीनी फाइटर को। चीन के लिए आज की यह सबसे बुरी खबर। अब चीन को अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे, चीन को बताना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। पीएलए के सुखोई 35, ये सुखोई नहीं है, ये सुखाई है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, सुखोई था। हालांकि सुखोई 35 इसलिए क्योंकि दिनेश ये दूसरी खेप है जो चीन को मिली थी 2016 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रशिया से ये लिए गए थे सुखोई 35, और लगातार ये वो विमान है जो चीन दूसरे कंट्री से खरीद रहा है। और उसके पास अगर ये विमान, अगर आप देखें ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या हालत है चीन की। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए और इसका विश्लेषण देखिए। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए सुमित, क्योंकि आपने कई वॉर ऑपरेशंस देखे हैं, कई सिमुलेशंस देखे हैं, कई रियल टाइम सिचुएशन देखिए। जरा समझाइए यहां पर कहां, क्या ये किसी बस्ती में गिरा हुआ विमान है, फाइटर जेट एरिया है? और अगर आप देखें यहां पर आपको नजर आएगा कि सोल्जर जो है, अगर दोबारा से विजुअल अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सोल्जर्स उसके पास जाते हुए कॉर्डन लगाते हुए ताकि कोई सिविलियन आए। लेकिन ये देखिए, और ये है सैनिक बिल्कुल, ये इंश्योर कर रहे हैं उसके आसपास लोग ना जाएं। बिल्कुल, और ये ग्रीन फील्ड है, यानी ये इलाका खुला था, अब ये मारा गया है या इसको इमरजेंसी लैंडिंग किया। लेकिन ये विमान अगर ताइवान के ऊपर था तो ये आखिरकार कर क्या रहा था, यानी क्या ये सर्वेलेंस कर रहा था, क्या ये मैपिंग कर रहा था, ये देखना होगा। दूसरी तस्वीर है दिनेश, ये उनके पायलट की है जो यहां पर गिरा हुआ है। यहां पर क्या पायलट के पास यहां क्या ये पैराशूट नजर आ रहा है? क्या ये पैराशूट साथ में है? ये पैराशूट ये साथ में जो ऑरेंज हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये पैराशूट है सुमित? देखिए ये पैराशूट नहीं है, दरअसल ये किसी चीज के ऊपर उसको लिटाया हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये भी है दिनेश की अभी जो हालत है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार सर्कल करती हुई, ये दिखा रही है कि अभी उसकी हालत गंभीर है। हालांकि जब भी ऐसा इजेक्शन होता है, जब इजेक्ट करते हैं खुद को तो सेफ टाइम में इजेक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद उनको मेनली ये देखना होता है कि क्या दुश्मन की टेरिटरी में वो गिर रहे हैं, जैसा अभिनंदन के साथ हुआ था। देखिए टेरिटरी में कहीं भी गिरे, लेकिन इजेक्शन के बाद भी कुछ इंजरीज आती हैं, बैक के अंदर इंजरी आती है, इसके अलावा बोन्स के टूटने की बात भी होती है। तो अगर आप देखें तो उनको लुटाया हुआ है जो भी पायलट है ये, और ये एक लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिनेश कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो लोग जो आसपास होते हैं, आप देखें कि लोग लगातार पंखा कर रहे हैं, फिर उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन ये दर्शा रहा है कि चीन के अग्रेसिवनेस को लेकर। लेकिन अगर इस तस्वीर को आप देखिए, बाकी के लोग ये लोग इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, जबकि उनका स्वाभाविक कौतूहल इसकी तरफ होना चाहिए, ऐसा क्यों है? देखिए अभी ये लगातार ये क्यों हो रहा है या फिर क्या तस्वीरें क्या कहती हैं, इसका विश्लेषण थोड़ा सा अभी कहना कठिन होगा। क्या मुमकिन है उस तरफ खड़ा हुआ कोई एड्रेस कर रहा हो, बता रहा हो कि ये क्या करना? देखिए वहां कोई वर्दीधारी भी खड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो वहां पर आपको पुलिस नजर आएगी, लोकल जो पुलिसिंग है वो वहां पर खड़ी नजर आएंगी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये हुआ है तो इस विमान का वहां पर पर्पस क्या था,
ये बड़ा चिंता का विषय या फिर ये सवालों के घेरे में कि चीन अभी भी अपनी चीजों से, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, बात कि पहले ही जब उसके टोही विमान आए थे तो खदेड़ा गया था, और उसका 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 एक उनके उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका उसके एक्सेप्ट भी लोगों के सामने आए थे, और लोगों ने सुना था कि ताइवान ने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। यह अहम खबर आ रहा है, दूसरी बार ऐसा हुआ है। ये मैं यही बता रहा था अभी आपको कि ताइवान के एयर स्पेस में यूं दाखिल होना ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार ताइवान ने चीन को चेतावनी दी थी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरी बार में उसने एक्शन कर लिया, चीनी फाइटर को मार गिराया। सुमित, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या उसके बावजूद चीन ने समझा होगा कि सिर्फ कहेगा करेगा नहीं। बिल्कुल, ये चेतावनी थी और उसके बाद चेतावनी के बाद एक्शन हुआ दिनेश, और यही हम लगातार कह रहे हैं कि अब ताइवान भी एक्शन मोड में है। भारत के बाद अब सभी कंट्रियां लगातार चीन के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी हैं, और उसकी पहली तस्वीर उस एक्शन मोड की हमने ताइवान से सीधे हमारे पहुंचाई और ये दिखाया कि कैसे ताइवान के इलाके में जब चीनी इस सेना के विमान ने घुसपैठ करने की कोशिश किया, सर्विलेंस किया, तो क्या उसके हालत हुई। हालांकि अभी ये क्लियर होना बाकी है कि ये अपने आप गिरा है किसी टेक्निकल स्नैक के चक्कर में या फिर इसको हिट किया गया था, लेकिन ये जरूर है कि अब लगातार चीन के खिलाफ अग्रेसिव पोस्चरिंग दुनिया भर के देश, चाहे वो छोटे देश हो चाहे बड़े देश मनीष हो, सभी लोग करने लगे के लिए जाता हूं, क्योंकि मनीष इस वक्त पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ, देख रहे होंगे खबरें क्या आ रही हैं साथ में। मुझे ये बताइए मनीष कि क्या ये मुमकिन है कि इसको हिट नहीं किया गया हो, टेक्निकल स्नैक की वजह से गिरा हो? मुझे तो इसकी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल लगती है। किसी तकनीकी कारण से का ये फाइटर प्लेन यहां पर गिरा हो, बल्कि इसकी संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि आप देखिए जिस समय अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजार 11-12 अगस्त के आसपास ताइवान पहुंचे थे, और मुझे याद है कि तब चीन के दो फाइटर जेट, एक J-10 और एक J-11, ये दोनों अमेरिकी ताइवान के एयर स्पेस में घुसे थे। उस समय ताइवान ने ना सिर्फ अपने फाइटर जेट से इसका पीछा किया था, बल्कि उसे मारने के लिए, चाइनीज फाइटर जेट को मारने के लिए मिसाइलें भी दागी थी, और तब ताइवान ने साफ कहा था कि हम अपने एयर स्पेस में चाइनीज फाइटर जेट को घुसने नहीं देंगे, और हम ये चेतावनी दे रहे हैं। और इसके बाद भी लगातार चीन ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था, और ऐसी स्थिति में जब ये प्लेन क्रैश होता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे, हालांकि डिटेल्स जानने का इंतजार है, जिस समय चाहे चीन की तरफ से या ताइवान की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब डिटेल्स दी जाएगी कि आखिरकार चीन का ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कैसे जमीन पर आया चीन का फाइटर, ठीक है ये कैसे हुआ, ये मनीष अहम सवाल है, लेकिन इस बात की संभावना एकदम कम लग रही है। हालांकि मुमकिन है कि टेक्निकल स्नैक हुआ हो, चाइना का माल है, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है या फिर ताइवान ने इसको हिट कर दिया है? संभावना और खबरें जो अभी सोर्सेज के हवाले से आ रही है, इसको हिट किया गया है, लेकिन ये हिट फाइटर जेट नहीं हुआ है, ये हिट हुआ है चीन का ईगो। अब इस चीन अपने ईगो को सेफ और सिक्योर करने के लिए किस हद तक जाता है, उसको अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे। वो चाहता था सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग या मसल फ्लेक्सिंग से आगे निकलना भी। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़े अलर्ट हो गए, अमेरिका को चीन की तरफ से हमले की पूरी आशंका है अब, और इसलिए ताइवान बॉर्डर पर चीन के 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं, और इसलिए समंदर में अब कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। जो अमेरिका के बेड़े, समुद्री बेड़े वहां खड़े हुए हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, और कभी भी अब साउथ चाइना सी में बड़ा एक्शन आपको दिखाई दे सकता है। और इससे पहले कि मैं इस बात को लेकर सुमित के पास जाऊं, एक बार क्विकली मैं जाना चाहता हूं इरशाद जी के पास। इरशाद हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अभी अब इरशाद भाई ये बताइए, अब क्या करेंगे वहां पर लोग, जब वहां सबसे पहले इकोनॉमी को रिसरेक्ट करने की आवश्यकता है, अब चीन का साथ देना होगा, क्या इमरान खान ने अपना मुस्तकबिल सिर्फ चीन के साथ बताकर वहां की आवाम को डेंजर में डाल दिया है? शुक्रिया दिनेश, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। दूसरा, मुझे आफरीन है आपकी अमन दुश्मनी पे कि आप जब भी कोई बात शुरू करते हैं कोई इतनी दुश्मनी पूरी दुनिया के साथ कि आपने एक जहाज के हादसे को World War III बना दिया। आप ये देखें, थोड़ा सा कोशिश करें कि इतने अग्रेसिव ना हुआ करें। आप एक जहाज का अगर उनका हादसा हो गया, अभी आपको तहकीक तो नहीं है कि उन्होंने मार गिराया, अभी एक हादसे को आपने उसको World War III में बना दिया, और फिर आप इतनी ऐसी कमेंट्री कर रहे हैं जैसे कि क्रिकेट का या हॉकी का मैच हो रहा हो। आप कोशिश ये किया करें कि अमन की बात किया करें, हम आपको हर वक्त अमन का। बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सुनकर, अमन 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 की बातें। हम करते क्या हैं वो भी देखा करें इरशाद भाई, वो भी देखा करें कि हम करते क्या हैं। और पाकिस्तान अभी एनकाउंटर चल रहा है, आपको पता है, बारामूला में।
आप उधर से जो हमको एक्सपोर्ट किया जाता है उससे निपटने में हमारी जिंदगी परेशान है। खैर आप कह रहे हैं कि बातों में चाशनी लपेटा करें, हमको बातों में चाशनी नहीं लपेटना, हम जो करते हैं वो कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रंप की तरफ से खबर आ रही है, ताइवान ने तोड़ा है जिनपिंग का गुरूर। जो ट्रंप करने वाले थे वो ताइवान ने कर दिया, ताइवान ने चीन पर पहला हमला बोल दिया और ताइवान ने चीनी फाइटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बार बार वार्निंग के बाद फिर ताइवान को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा और ताइवान ने जिनपिंग के गुरूर को थप्पड़ मारा है। अब जिनपिंग इस पर कैसा रिएक्ट करता है यह देखना होगा। जो ट्रंप करने वाले थे वो ताइवान ने आखिरकार कर दिया। इरशाद बात पूरी करें, आप कह रहे थे कि जुबान में चाशनी होना चाहिए भले ही हाथ में छुरा हो। हेलो, आप हमारी बात पूरी नहीं सुनते हैं कभी भी। सुनाइए सुनाइए, सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए, उपदेश दीजिए। सुन रहे हैं आप, देखें मैं ये कह रहा हूं कि अमन की दुश्मनी खत्म कर दीजिए, दुनिया को अमन का पैगाम दीजिए। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो जाए, जो कि नामुमकिन है। एक जहाज पाकिस्तान को ने अमन के कितने फाकते उड़ाए हैं इरशाद भाई, और ताइवान कभी पाकिस्तान अमन के कितने फाकते उड़ाता है ये देखिए। आपसे मेरी कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, आप ये जानते हैं इरशाद जी। नहीं, हमारी भी खुंदक नहीं है, इसीलिए आपने सलाम पेश किया, बड़े मोहब्बत से मैं ये सलाम कबूल करता हूं और आपको भी तस्लीम करता हूं। लेकिन मैं आपको साथ में ये बता दूं कि पाकिस्तान की जब बात आती है उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमने क्या किया है पूरी जिंदगी और कहां पर हुआ, अगर आप इतिहास देख लेंगे तो महात्मा गांधी से लेकर अगर पीस कहीं पर पूजा जाता है, कहीं पर शांति के पुजारी हैं, तो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो जुबान से कहे जाने पर, और ताइवान ने चीन को अगर मार दिया ये बुरा लग रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन जो घटना है वो सामने है और हमको खबरें रिपोर्ट करने दीजिए। आपको तहकीक है कि उन्होंने मारा है, वो जुर्रत कर ही नहीं सकते हैं चाइना के खिलाफ। दूसरी आप बात, आप यही प्रे कीजिए, आप ये प्रे कीजिए क्योंकि आप चीन के साथ खड़े हुए हैं, आपको यही सूट करता है, आपको यही सूट करता है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान अपने घर में अगर चीजें सुधारने में लग जाए, दूसरों के घरों में झांका ताकि दूसरों के कश्मीर को अपना बताना, दूसरे लोगों की तरफ निगाहें डालना, ध्यान बटाने के लिए आप करते हैं, आर्मी को वहां ताकतवर बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां की आवाम भूखी मर रही है, उस तरफ ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इरशाद भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और अगर मैंने कुछ गलत बयानी की है तो मैं टेलीविजन पर कह रहा हूं, TV9 भारतवर्ष पर बहुत बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, लोगों को फैसला करने दीजिए इरशाद भाई, है ना। आप क्या करते हैं और कहते हैं और मैं क्या कहता हूं करता हूं, हिंदुस्तान क्या कहता और करता है वो लोगों के हाथों में छोड़ दीजिए। और इस पर वो विश्लेषण जो आपकी तरफ से चाहिए था वो आपने दिया नहीं, आपने उपदेश दिया। लेकिन मैं इस तरफ एक बार फिर से मैं लोगों को ले जाऊंगा। ताइवान ने चीनी फाइटर को मार गिराया है और ये जिनपिंग के गुरूर पर थप्पड़ लगा है, और इसको जाहिर है जो चीन के साथ खड़े हुए लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रहा होगा और उस पर उनका दर्द से छटपटाना भी बिल्कुल जायज है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीर, अगर आप यहां देखें ये ताइवान की टेरिटरी में जब चीनी फाइटर गिरा है तो बहुत दूर से आप वहां से उड़ता हुआ धुएं का गुबार देख सकते हैं, और ये है करीब से ली हुई तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं आग की लपटों के हवाले है ये पूरा का पूरा फाइटर जेट, और उसके साथ साथ वहां आसपास ही ये फाइटर जो पायलट था उसने खुद को इजेक्ट किया है, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है, स्थिति खराब है, सड़क पर ही इसको लिटाया गया है और जल्दी एम्बुलेंस के जरिए इसको मेडिकल एड देने की कोशिश की जाएगी। इसका जिंदा रहना इसलिए भी आवश्यक है कि ताइवान ये समझ सके कि चीन का लार्जर प्लान क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहां लोगों का यह हुजूम, लेकिन अब इससे बाहर निकलते हुए इन तस्वीरों का इशारा समझिए यह बात कहां तक जा रही है। संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सोई साहब, ये बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक 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 ये वन ऑफ इंसिडेंट है और इसको इसके इसके अतिरिक्त नहीं देखा जाना चाहिए, क्या ये उनकी शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है? संजय सोई साहब, सवाल आपसे था मेरा। काले विपरीत बुद्धि, ये जो चाइना जो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि आज इस चीज को देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा, चाहे वो कोविड था, उसके बाद गलवान हुआ, आप देखिए गलवान में उन्होंने मुंह की खाई, धोखा दिया, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके 78 मारे गए जिनको पहचाना भी नहीं, उसके बाद ब्लैक टॉप हमने लिया,
इसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा है किस अहंकार में घूम रहा है, किस गर्व में घूम रहा है, और लोग उसको एक के बाद एक मात दिए जा रहे हैं, मात दिए जा रहे हैं। और आज ताइवान ने भी ये दिखा दिया भारत के एग्जाम्पल के बाद कि उनके क्या टेक्नोलॉजी, अगर अपने आप भी गिरा है तो क्या टेक्नोलॉजी है, और अगर गिराया है तो ताइवान ने अपनी एग्रेसिवनेस को दिखाया है और दिखा दिया कि चाइना तुम कोई बड़ी ताकत नहीं हो, जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से ट्रांसग्रेशन करोगे तो इस प्रकार का जवाब मिलेगा। और ये जवाब पहले भारत दे चुका है, और भारत दे चुका है ये जवाब, और वहीं जवाब से क्यों लिया गया है ताइवान की तरफ से कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उधर से अगर दिखाया जा रहा है तो इधर से हकीकतन मारना चाहिए, और यही किया है ताइवान ने। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है। याद रखिए जो सन की जिनपिंग इस वक्त चाइना में शासन कर रहा है उसको यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि ताइवान ने उसके गुरूर को यूं मसला है, और जाहिर है वो रिएक्ट करेगा तो अब बात हाथ से बाहर निकल जाएगी। कई बार आप सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ पोस्टरिंग के लिए चीजें करते हैं, ब्रिंकमैनशिप कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कब वो आपके हाथ से निकलकर एक फुल फ्लेज्ड वॉर बन जाता है, यू नेवर नो। और यही होने वाला है यहां। ये एक और बड़ी खबर, घर में घुसने पर चीन को सिखाया ताइवान ने सबक, ताइवान ने चीनी फाइटर को टारगेट करके मारा, ताइवान स्टेट पर उड़ा चीनी सुखोई तबाह। बार बार समझाने के बाद भी नहीं माना चीन, तो अब आखिरकार उसको उसकी हैसियत उस मुल्क ने दिखा दी जो छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है समंदर में, उसके मुकाबले ड्रैगन बहुत बड़ी कंट्री, लेकिन जब बात उसूलों की हो तो टकराना जरूरी है। अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ताइवान ने दिखा दिया। जैनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए दिनेश, ये अभी जब स्टेटमेंट आएंगे चाइना और ताइवान की तरफ से तो और इसकी बात का खुलासा होगा, लेकिन जो आपके फोटोग्राफ दिखा रहे हैं उससे यही जाहिर होता है कि इसको शूट डाउन किया है, इसको शूट डाउन किया है। ये टेक्निकल स्ट्राइक नहीं है, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अपनी निगाहों से देखने के बाद, और इसलिए ये तय मानिए कि इसको शूट डाउन किया है। जैनी साहब बात पूरी कीजिए प्लीज। Let me finish. चीन यही कहेगा कि ये टेक्निकल स्नैक था और ये हवाई जहाज क्रैश कर गया। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक टिड्डी दल होने के जरिए और चाइना का पिट्ठू पार्टनर होने के जरिए वो यही बात कहेगा जो चाइना कहेगी, क्योंकि उसका और कोई चारा ही नहीं है, वो चाइना के ही कटोरे में पल रहा है, चाइना के ही दिए हुए डोज के ऊपर में पाकिस्तान का वजूद इस समय टिका हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कि चाइना को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि और कोई है ही नहीं चाइना को सपोर्ट करने। अरे जैनी साहब, उसके सैनिकों को थपड़ियाया जा रहा है, वहां पर जाकर गालियां दी जा रही हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है, वहां पर उनको ये तक खबर है कि उनको पोर्क खिलाया जा रहा है, शराबें पिलाई जा रही हैं, लेकिन वो बेचारे विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तब सोचिए उनके पास चारा क्या है। लेकिन इस वक्त ये अहम खबर एक बार फिर से बता दिया जाए, ये ताइवान के हमले में चीनी फाइटर पायलट की हालत खराब बताई जा रही है, उसका विमान तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया, लेकिन चीन का फाइटर पायलट इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जिंदा तो है, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन स्थितियां बेहद नाजुक हैं। ताइवान की तरफ से कोशिश होगी कि उसको बचाया जाए और उससे पूरा प्लान समझा जाए, और चीन की तरफ से निश्चित रूप से जैनी साहब जैसा कह रहे हैं यही कहा जाएगा कि यह टेक्निकल स्नैक था, क्योंकि वो स्वीकारेगा ही नहीं कि हमारे मुंह पर ताइवान ने थप्पड़ मारा है। यहां पर वो तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल दायरे के अंदर, टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जहां लाल दायरे में इस वक्त वो पायलट लेटा हुआ आपको नजर आ रहा है, सड़क पर ही उसको कुछ चादर या गद्दे नुमा बिछाकर जो नीचे आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है उसको लिटाया गया है, कुछ लोग उसको हवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जीवित बचाया जा सकेगा। लेकिन उसी के आसपास खड़े हुए लोग आप देख रहे हैं दूसरी तरफ रुक कर खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद एक ऑफिसर उन्हें एड्रेस कर रहा है और ये बता रहा है कि ये कौन है और इसके साथ बर्ताव क्या होना चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया वो धुएं का गुबार भी जो उस जेट के ढेर हो जाने के बाद उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, दोनों तस्वीरें साथ में दिखाइए, ये है वो जेट जो ढेर कर दिया गया है, आग की लपटों के हवाले है, धुएं का गुबार उठ रहा है और ये धुएं का उठता हुआ गुबार चीन को दूर होने पर भी नजर आ रहा होगा।
और नजर आ रहा होगा कि इसी गुबार में उसकी तबाही भी लिखी हुई है। जिस तरीके से पूरी दुनिया को उसने पहले कोविड के खतरे में ढकेला और उसके बाद अपने पड़ोसियों समेत साउथ चाइना सी समेत तमाम जगहों पर उसने मसल फ्लेक्सिंग की, चीन ने बार बार अमेरिका को यह कहा कि क्या अब वो महाशक्ति रह भी गया है। उसकी हैसियत को चैलेंज करने वाले चीन को अब जाहिर है अमेरिका समेत तमाम वो मुल्क जो चीन के खिलाफ खड़े हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका को चीन की तरफ से ये बड़ा संदेश पहले दे दिया जा चुका था कि अगर ताइवान की तरफ एक भी उंगली उठी तो पूरा हाथ तोड़ा जाएगा, समंदर में अब कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका का बेड़ा न जाने कब से मौजूद है, उसके न्यूक्लियर पावर प्रोपेल्ड बड़े वॉरशिप्स मौजूद हैं और ऐसे में इस इंसिडेंट का हो जाना जाहिर है, ये चिंगारी एक बड़े युद्ध को इग्नाइट करती हुई नजर आ रही है। अमेरिका को चीन की तरफ से हमले की आशंका पहले से ही थी क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि जो ये ताइवान स्ट्रेट है वहां पर बहुत सारे सैनिक पहले ही चीन ने तैनात कर रखे हैं, अपने एम्फीबियन उसने वो टैंक तैनात कर रखे हैं जो पानी और सतह दोनों पर चल सकते हैं। लिहाजा अब ये आगे बढ़ेगा, एस्केलेट होगा, इससे कहीं कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए और शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सिर गाड़कर ये नहीं कहना चाहिए कि कोई खतरा नहीं है। सुमित, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? देखिए, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बात आप मान के चलिए कि अगर ताइवान अगर चीन के सामने इस तरीके से खुलकर सामने आ गया है तो ये बात चीन को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका से, भारत से और कई कंट्री से लगातार जूझ रहा है और अब ताइवान जैसे देश जिनको बहुत छोटा देश समझता था, जिनकी हर राइट्स को उसने कुचला पिछले कई सालों में, अगर वो इस तरीके से अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं तो ना सिर्फ चीन को इंटरनली नुकसान होगा बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में भी चीन का वो अग्रेसिव बिहेवियर या सुपर पावर या डिप्टी सुपर पावर बनने का जो उसका सपना है वो पूरी तरीके से एक अहम बात, लेकिन ये समझना चाहता हूं क्योंकि अब इसको देखा जा रहा है एक वर्ल्ड सिनेरियो के तौर पर, अब सिर्फ लद्दाख की घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, ताइवान ने कुछ किया इसके तौर पर नहीं देखा जा रहा है। मैं इसको लेकर गुरमीत साहब के पास चलूंगा। गुरमीत साहब, क्या एक लार्जर वॉर थिएटर सेट किया जा चुका होगा और बहुत सारी चीजें क्या वर्ल्ड वाइड अब कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी में चल रही होंगी? सर, क्विकली। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो स्पार्क है, ये जो शुरुआत है, ये जो चिंगारी है, ये शुरू हो गई है और ये ताइवान ने ये जो एक हार्ड डिसीजन लिया है और एक एक्शन दिखाया है, इससे बिल्कुल शुरुआत हो गई है। अभी जो ताइवान था, ये सबसे बड़ी सेंसिटिविटी थी चाइना की, क्योंकि वन चाइना प्रिंसिपल के ऊपर में वो शुरू से ही अड़ा हुआ है और जो ताइवान और यूएस का जो एग्रीमेंट्स हैं, जो एमओयू हैं, जो मेल मिलाप है, वो बिल्कुल ही अलग दर्जे का है। इस जगह के अंदर में चाइना बहुत अग्रेसिव था और देखिए, बड़ी बात ये है, जो मलबा है जो एयरक्राफ्ट का, वो गिरा है ताइवान में। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने वायलेशन किया है एयर स्पेस का, उसने इंट्रूजन किया है और ताइवान ने अपने हक के मुताबिक अपने हक का इस्तेमाल किया है। चीन ने इंट्रूजन किया है, लेकिन चीन फिर भी इसको यूं पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा जैसे उसके ऊपर, उसके हितों पर कुठाराघात हुआ है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़े अलर्ट हैं, अमेरिका को चीन की तरफ से हमले की आशंका है और इसलिए पूरी तरह से अलर्ट है। रोनाल्ड रीगन और निमित्स पहले भेजे जा चुके थे। सुमित, निमित्स बताया जा रहा था कि अंडमान निकोबार की तरफ, इधर इंडियन ओशन की तरफ आ गया है और रोनाल्ड रीगन उधर इसके ताइवान के पास, ताइवान स्ट्रेट के आसपास मंडरा रहा है। अभी क्या पोजीशन है? देखिए, अभी इनकी पोजीशनिंग बिल्कुल इस तरीके की है, अगर आप मान के चलिए कि कर्व के अंदर इन्होंने दो टेक्टिकल लोकेशन से, यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी चीन को घेरा हुआ और ये दोनों ही, मैं आपको बता दूं, इनके दोनों के मिसाइल्स, इन दोनों के एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिन पर डिप्लॉय हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, इनकी जद में अमेरिका सीधे तौर पर आता है। और अगर दिनेश हम बात करें चीन क्यों डरा हुआ है, चीन लगातार क्यों परेशान है, क्योंकि ना सिर्फ ये चीन के व्यापार को रोक सकते हैं, बल ब्लॉक कर सकते हैं, बल्कि चीन की पनडुब्बियां जो हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं चलते हैं दिनेश, इनके साथ पूरा जमावड़ा होता है, पूरा जमला होता है, खासतौर पर इनके साथ फ्रिगेट्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, इनके साथ इनके जो दूसरे वेपन्स होते हैं वो साथ चलते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, तो ये अपने आप में एक जंगी बेड़े की तरह होते हैं जो पूरी
डिप्लॉयमेंट के साथ चलते हैं और चीन इन्हीं बात से डरा हुआ है कि अगर ये सारी लेकिन ये कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि इसी बात को देखते हुए कि अमेरिका अपनी तरफ से ये बड़े कैरियर शिप्स तैनात कर सकता है, ये कहा जा रहा था अभिषेक कि इसी के लिए डोंगफेंग 21 उसने तैयार किया है ताकि इन बेड़ों से निपट सके। डोंगफेंग 21 की काट ढूंढी है क्या अमेरिका ने अभिषेक? देखिए पहले एक बात ये समझिए कि ये इसी साउथ चाइना सी के इलाके में कई बार हो चुका है कि अमेरिका का जो स्पाई प्लेन U-2 है वो कितनी बार गया है और चीन ने हर बार ट्रैक करने के बाद भी सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये कहा है कि ये बहुत गलत कर रहा है अमेरिका और ये बहुत ही बुरा कर रहा है, हम इसका जवाब देखें, कभी जवाब देने की जरूरत नहीं की है। कितनी बार हुआ है ये, जिन तीन वारशिप की हम बात कर रहे हैं, तीन वारशिप साउथ चाइना सी में कितने अंदर तक गए लेकिन चीन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि चीन को औकात मालूम है, उसको मालूम है कि इन वारशिप का, अमेरिका की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का, अमेरिका के बम वर्षक का उसके पास कोई तोड़ नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉस्चरिंग है। और ये ताइवान वाली जो कहानी है, ये मान लीजिए कि ताइवान वाली कहानी स्केलेट करने वाली है और स्केलेट करके ये सीधा साउथ चाइना सी में आएगी और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है। दिनेश एक बात मैं ये भी समझना चाहता हूं, यहां जो हम देख रहे हैं इसको लेकर मैं मनीष झा के पास क्विकली जाना चाहूंगा। मनीष झा मुझे एक बात बताइए, आप वाई फैंग क्या और ज्यादा रूस में रहना अफोर्ड कर सकते हैं या उनको फौरन लौटना पड़ेगा इधर अपना तीन दिवसीय दौरा टालकर? दिनेश अपने सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि चीन के रक्षा मंत्री को लौटना पड़ेगा अब चीन फौरन। नहीं, मुझे लगता है, देखिए दिनेश, की चीन के रक्षा मंत्री आज अगर मॉस्को में है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे ठीक एक घंटे के बाद SCO की मीटिंग शुरू हो रही है, तो वैसी स्थिति में चीन के रक्षा मंत्री जरूर कम से कम आज पूरा दिन तो मॉस्को में जरूर रहेंगे और उसके बाद फिर वो ये कॉल ले सकते हैं कि उन्हें वापस लेना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।